हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी सबके लिए नवरात्रों की। और आज हमने खाने में व्रत में क्या बनाया है तो वो मैं आपको दिखाती हूँ। आज हमने बनाए चटनी सौवा के चावल जीरे वाले, और ये बनाई है सिंगाड़ी के आटे की। हमारे यहाँ तो बोलते हैं इसको कतरा, मतलब कतरी, और आपके यहाँ क्या बोलते हैं वो मुझे भी नहीं पता है। और आलू टमाटर की सब्ज़ी। तो ये देखो अब मैं क्या बना रही हूँ। पहले मैं इसमें एक चम्मच घी डालूंगी। और नवरात्रों में ना भूख तो लगती नहीं है, लेकिन खाना तो पड़ता है ना, और माता को भोग भी लगाना पड़ता है। तो इसके लिए मैं बना रही हूँ आज सवा के चावल। तो देखो जीरे वाले, तो इसमें मैं एक चम्मच डालूंगी घी का, देसी घी। 9 दिन में सेहत बना लो 9 दिन में सेहत बन जाती है देसी घी खा के, और आगे ही सेहत अच्छी है तो और भी अच्छी हो जाएगी। तो ये मैंने जीरा डाल के और इसमें डाल दिए चावल, और इनको मैं अब रख दूंगी गैस पे अलग। इसमें डालूंगी थोड़ा पानी, धो के इसको, इसमें चावल रह गए थे तो मैंने इसमें पानी डाल दिया। तो 1.5 गिलास मैंने इसमें पानी डाला है, और दूसरी गैस पे इनको ट्रांसफर कर दूंगी। ये देखो, और इस पे मैंने रखी कढ़ाई, और कढ़ाई में भी थोड़ा सा घी डालूंगी। इसमें घी डाल के टमाटर काटने लगी। टमाटर, और ये मैं बेटी को बोल रही थी, शाम का टाइम है तो जोत, तुलसी मैया की जोत जलाया और शिखा पूजा कर रही थी। तो शाम का टाइम है, बज रहे हैं 7 बजे। अभी देखो कितना उजाला भी है। तो मैंने कहा चलो तुम ज्योत बत्ती कर लो, मैं अपना खाना बना लेती हूँ, भोग बना लेती हूँ। तो ये मैंने टमाटर काट लिए, और इसमें मैंने डाला घी देसी। व्रत का तो बहाना है शरीर को बनाना है। तो ये मैंने डाला देसी घी, और इसमें डाला थोड़ा जीरा। इतनी व्रत वाली जो सब्ज़ी होती है ना, उसका टेस्ट इतना अच्छा आता है कि अगर हम वैसे कभी बनाएंगे ना ऐसे आलू टमाटर की सब्ज़ी तो बिल्कुल भी टेस्ट नहीं आएगा, लेकिन ये सब्ज़ी में पता नहीं कहाँ से इतना टेस्ट आ जाता है। माता रानी का प्रसाद भोग लगता है, तो उसके लिए सॉरी। इसमें बेटा आया है टेस्ट करा के, बेटे की ना तबीयत ख़राब हो गई थी, तो वो अपना यूरिन टेस्ट करा के आया है, अल्ट्रासाउंड कराया है, तो उसके लिए बैल बजाया जा रहा है। सॉरी अगर आपको आवाज़ आती है, तो उसके लिए वेरी वेरी सॉरी। तो अभी टेस्ट करा के आया है, और अभी आके भी बोलेगा। और उसको ना पेट में बहुत ज़्यादा, परसों उसकी इतनी हालत ख़राब हो गई थी, बाथरूम उसका बंद हो गया था, यूरिन बिल्कुल नहीं आ रहा था, और बेटा इतना तड़फ रहा था दर्द में, बस अंदर बाहर अंदर बाहर। फिर डॉक्टर पर लेके गई, तो उसने अल्ट्रासाउंड और यूरिन टेस्ट लिखा था, दवाइयाँ तो दी, दर्द तो हो गया था रात को बंद, लेकिन अभी भी है उसको प्रॉब्लम। तो यूरिन टेस्ट करा के आया बेटा, तो उसने बैल बजाई है। ये मैंने अब इसमें 2 गिलास पानी डाल दिया, थोड़ा सा और पानी डालूंगी क्योंकि इसे सिम गैस पे पकाऊंगी। और ये देखो इसमें मैंने डाला काली मिर्च, व्रत वाला नमक। हम वैसे भी व्रत वाला ही खाते हैं नमक, लेकिन मैं व्रत के लिए जो रखती हूँ वो अलग डब्बे में रखती हूँ। तो इसको मैंने बस इसमें काली मिर्च, नमक और टमाटर, यही मैंने डाले हैं इसमें, और मैं कुछ भी नहीं डालूँगी। और मैं देख रही थी चिमटा, तो चिमटे से मैंने चावलों को भी देखा, तो चावल भी हमारे पक चुके हैं। ये देखो चावल भी हमारे बन चुके हैं, बस अब इनका पानी है निकाल दूंगी और चावल हमारे तैयार हैं। जैसे चावल वैसे हम नॉर्मल चावल बनाते हैं ना, वही ऐसे ही बनते हैं ये चावल भी। इसमें थोड़ा नमक डाल दिया, जीरा डाल दिया, तो बन गए चावल। इसको मैं ढक दूंगी, और धनिया रखा हुआ था मैंने कट करके,
और धनिया हमारा ना सूख गया, हमारा ना फ्रिज ख़राब हो गया और अब फ्रिज लेने की सोच रहे हैं। क्या करें, महंगाई इतनी है, फ्रिज लें या क्या करेंगे, देखेंगे। अभी फ्रिज लेना है बोल रहे हैं बच्चों को। इधर आरती मेरे को कुछ कह रही थी, मैंने सब्जी इस पे रख दी और अब मैं इस पे ये आटा रख दूंगी सिंगाड़ी का और इसको अच्छे से बिना घी के भून लूंगी पहले। ये बेटा कुछ कह रहा था तो मैंने उसको बोल रही थी, मैं यहाँ तो कुछ पूछ रहा था मेरे से। बस उसकी तबीयत सही नहीं है तो अपना भी मूड बहुत ख़राब रहता है। अब इसका ना आटा भुन गया, बिल्कुल गोल्डन हो गया, रेड कलर में आ गया ना, तो अब मैं इसमें थोड़ा सा घी डाल दूँगी। ज़्यादा नहीं घी डलेगा इसमें, हल्का सा घी डलेगा। मैंने इसमें 1 चम्मच के करीब घी डाल दिया। ये हमारा एक छोटी कटोरी है ना, वो भर के आटा है और इसमें मैंने भून के इसको और मैंने डाला इसमें 1 चम्मच घी। ये नवरात्रि हों या एकादशी का व्रत, तो ये मैं बहुत बना के रखती हूँ, इसको दही के साथ खाती। अब मैंने इसमें डाला ये 1.5 गिलास पानी। अब इसमें 1.5 गिलास पानी से ना ये बहुत पतला पतला हो जाएगा, इसकी गांठें हमें माननी है। और इसमें डाला मैंने ये शक्कर, शक्कर क्या है, ये गुड़ का पाउडर जो होता है ना, वो मैंने इसमें मिक्स कर दिया। अब इसको मैं अच्छे से चलाऊँगी जिससे लम्स ना बने, इसमें ना लम्स बहुत जल्दी बनते हैं, तो इसको चलाते रहिए बस। जब तक चलाते रहोगे जब तक ठीक हो जाएगा ये। और शर्मा जी आए हैं ड्यूटी से और ये मैं चलाती रहूँगी जब, क्योंकि अगर इसको मैंने चलाना बंद कर दिया तो इसमें लम्स अच्छे से पड़ जाएंगे, तो फिर ये ना जमाने में परेशानी होगी। इसको हम एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे और इसको हम थोड़ी देर के लिए ठंडा करेंगे। देखो हलवा तो बन गया, अगर हलवा बनाना है तो ऐसे बनाना है, अगर इसको कतरा बनाने हैं तो इसके कतरा बनेंगे इसको प्लेट में डाल के। ये प्लेट इसमें मैं बस ऐसे डाल दूँगी और ना मैंने इसके ऊपर घी लगाया है, प्लेट पर कुछ नहीं लगाया और बड़े आसानी से ये निकल भी आएंगे। अब मैं इसको फैला दूँगी। फैलाने के बाद ना बस इसको 10 मिनट ठंडा करना है, जैसे ये ठंडे होंगे ना पूरा प्लेट की प्लेट निकल के आ जाएगी इसकी। मैं तो इसमें कट मार दूंगी तो जहाँ से निकालूंगी वहाँ से ही निकल जाएंगे। और पीछे से शर्मा जी बोले जा रहे थे और अब हो गई बिल्कुल रात और मैंने डब्बा रख दिया घी का। तो बस अब हम प्लेट कर लगा रहे हैं अपने महारानी की, अपने कान्हा जी के, ठाकुर जी की, सबका ये भोग मैंने बना लिया। तो ये भोग लगाऊंगी और थोड़ा सा निकाल के दे दूंगी, फिर उसके बाद मैं खाऊंगी। ये हमारा हो गया तैयार, ठंडा ठंडा कूल कूल। इसमें ना कट लगा दूंगी ना तो ये आसानी से एक एक पीस निकल के आ जाएगा बाहर। बस और सिखा यहाँ पता नहीं क्या बोले जा रही थी मेरे को, कह रही ये कैसे निकाल रहे हैं और एकदम जैसे जेली होती है ना ये, वो ऐसे बन के तैयार हो गए थे और खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं ये, मुझे तो बहुत पसंद है। आपको पसंद है तो हम मेरे घर पे आइए। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो लाइक शेयर कमेंट्स और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को वॉच किया करें। आप ही तो मेरी फैमिली हो ना, इतने लोगों की मेरी फैमिली है, मुझे पसंद करती है तभी तो मैं आगे बढ़ रही हूँ ना। तो आप सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका मुझे यहाँ तक लाने के लिए। तो अब हमारी ये थाली हो गई तैयार और सिखा को लग रही है भूख, तो मेरे को बोल रही थी कि बहुत टेस्टी टेस्टी खुशबू आ रही है। मैंने कहा कोई बात नहीं, हम भी खाएँगे, तुम भी खाओ। अब माता रानी का भोग लगा के हम भी ले लेंगे।